अब ये क्या है, ये तो कुल्हाड़ी का। भाई हमारा हाथी बहुत वो है, नखरे कर रहा बहुत ज़्यादा, हाथ से ज़्यादा लगा लगा, आराम से लगा। सुबह हो चुकी है, हम उठे थे 7:30 बजे, हम उठे नहा धो के फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, बाल बाल भी मैंने कंघी वगैरह कर ली है। तो अब हम जाएंगे घूमने, 9 बजे हमको जाना है, हमको कैब वाला लेने आएगा तो हम जाएंगे। अभी थोड़ा ब्राइटनेस नहीं आ रही होगी तो अभी हम थोड़ी देर में घूमने जाएंगे। रेडी वेडी मैं हो चुका हूँ, अभी बस जूते पहनने बाकी है, इसके ऊपर से कुछ देखता हूँ, कुछ डाल देता हूँ। बाकी हमारे कमरे का तो भाई क्या ही बोलूँ, तुम देखोगे ना तुम हैरान रह जाओगे। तुम देखो कमरा हमारा, मतलब बिल्कुल अजीब ही हो रखा है। यहाँ चिप्स के पैकेट पड़े हैं, बोतल पड़ी है, प्रेस है, कपड़े, तौलिया यहीं पे है, ये हेयर स्प्रे यहीं पड़ा है, बेल्ट यहीं पड़ी है, फ़ोन, हेयर ड्रायर, हेयर वैक्स, परफ्यूम वगैरह सब यहीं पड़ा है। तो आज सेकंड डे हमारा जयपुर में, तो अब हम देखते हैं कि आज क्या होता है, क्योंकि कल हमारा फर्स्ट डे था तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ इन्जॉय करा नहीं, नॉर्मल था। रेडी होकर दिखाता हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके कैब में चलेंगे, तब दिखाऊंगा तुम्हें। तो दोस्तों तुम्हारा दोस्त रेडी हो चुका है पूरा, पीछे तुम्हें प्रेस दिख रहा होगा वो देखो। तो रेडी हो चुका, ब्लैक पहन लिया मैंने, ब्लैक चश्मा पहन लिया, वाइट पहन लिया, और देखो ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज़ पहन चुका हूँ। तो ऑल ब्लैक और थोड़ा वाइट बन के मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी कमरे की सफाई करते हैं हम, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में थोड़ा दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या है, फिर मैं तुम्हें बोर नहीं करूँगा, ठीक है? तुम्हें व्लॉग देखने में मज़ा ही आएगा, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो को एंड तक देख लेना, मज़ा आएगा। तो मैं जयपुर की सिटी दिखाऊंगा, मैं थोड़ी देर में हम निकलेंगे घूमने के लिए, तब तुम्हें दिखाऊंगा। अभी मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, अभी बस हम रेडी हो चुके हैं, अपना दोस्त भी रेडी हो रहा है, मिलते हैं। आज हमारा ब्रेकफास्ट, और भी है अंडे वगैरह बॉयल्ड एग, वो थोड़ी देर में खाएंगे। रेस्टोरेंट अच्छा है, अभी पहले खाना खाते फिर बाद में करते बात। ब्रेकफास्ट कर लिया, और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम शूट करा हमने इस लोकेशन पे। बहुत अच्छी लोकेशन आई है, बहुत अच्छी फ़ोटो आई यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा इसकी फ़ोटो, हैशटैग छोड़ो इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है? तो तुम डिस्क्रिप्शन से लिंक जिसको देखनी होगी आ जाना, फॉलो कर लेना भाई को। बाकी लोकेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे फोटो शूट के लिए। अभी हम घूमने जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं भाई घूमने? अभी कुछ पता नहीं हमने, बस थोड़ी देर में जाते हैं तब बताते हैं आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। शूट करने के बाद हम होटल के पार्क में आ चुके हैं, और पार्क तो बहुत अच्छा है वैसे, इनका जो ग्राउंड टाइप है। बट इनकी ना ये है यार, इनकी ना मतलब स्विमिंग पूल में नहीं जाने दे रहे कोरोना के चक्कर से, पता नहीं क्यों ऐसा गलत है ये। बाकी तो मज़ा आ रहा है अभी तक, फ़िलहाल एक ही दिन हुआ अभी हमें आए हुए। अब हमारा ड्राइवर आ चुका है बाहर, मतलब थोड़ा ऊपर गया, पता नहीं क्या करने। तो थोड़ी देर में हम चलते हैं यहाँ से, फिर गाड़ियाँ बैठ के मैं तुम्हें जयपुर की राइड कराता हूँ, और बढ़िया बढ़िया जगह। ओला में कैब में जयपुर घूमने के लिए, तो अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखो बिल्कुल दिल्ली वाला हाल है, इधर भी चांदनी चौक जैसा वाला हाल है इधर। ये सामने क्या है, हैदराबादी मीनार जैसा लग रहा है, चांदनी चौक है। तो देखो नॉर्मल है, अभी हम जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं पिंक सिटी, और यहाँ पे पूरी मकान पिंक है, हर जगह पिंक कलर है। पिंक लग नहीं रहा वैसे, चारों तरफ पिंक है। वैसे पिंक कलर क्यों है कुछ पता है यहाँ पे कि क्यों सबने पिंक कलर ही कर रखा इधर? अच्छा, तो देखो भाई तुम यहाँ हर जगह तुम्हें पिंक चीज़ मिलेगी, हर जगह चीज़ तो नहीं कह सकते, बट हर घर तुम्हें पिंक है। देखो ये पिंक पिंक सारे पिंक, और यहाँ पे इस साइड भी पिंक है पूरे। देखो भाई पूरी जगह पिंक है, पूरी जगह व्यू देखो, बिल्कुल उत्तराखंड जैसा व्यू बिल्कुल। अभी हम पहाड़ पे जा रहे हैं, एक मंदिर वगैरह वहाँ पे कुछ महल टाइप है, किला टाइप, वो दिखाते हैं। बाकी रास्ता तो बिल्कुल उत्तराखंड वाला ही है। जगह के अंदर आ चुके हैं, किला जैसा है, टिकट लेनी पड़ी हमें। किला क्या है? किला ही है भाई, किला ही है, किला जैसा नहीं। चार बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मतलब किला ही है इधर सब पिंक है क्या? इधर जाना भी है, इधर
ये कवच है क्या? हाँ वो ढाल नहीं कहते। तो ये ड्रेस है पुराने जमाने वाली, ये भी तोप है। अब ये क्या है? ये तो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी टाइप। ये तोप तो हर जगह अलग अलग तोप है क्या सारी? अच्छा सबसे बड़ी ये कार 98 जैसी है भाई। कितनी बड़ी है ये, कितनी बड़ी। ये मोहसिन की तरह है सेकंड वाली, थर्ड वाली भी मोहसिन की तरह है, फोर्थ वाली भी। पीछे से लुक शॉर्ट गन वाला है। अब ये देखिए गाइस, ये तलवार है इधर बहुत सारी। और ये छोटी वाली ये क्या चीज है? ये वही है, वो तलवार लगा रखी है ना पकड़ने का। तलवार तो अब तो सारी एक जैसी लग रही है मेरे को, बस तलवार थोड़ी अलग। अच्छा तोप में डालने वाला है। पचास किलो का है? 50 kg का। इसके सर पे गया ना भाई? ये सही में 50 हो गए? लिखा था भाई आयरन वेट 50 kg। भाई इतना तो लग भी नहीं रहे। हो भी है भाई, वो लोग है। जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे राजा की सेना रहती थी, तो सब कुछ दिखाया मैंने आपको यहाँ पे तोप वगैरह। और ये हमें गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे ड्राइवर साहब है। और अभी देखते हैं आगे, तो मैं दिखाता हूँ। आज तो पहला दिन है जयपुर में, मतलब दूसरा दिन समझ लो। अभी थोड़ा घूम रहे हैं हम, थोड़े ऐसी ऐसी जगह पे आए हैं। बाकी तो देख के यहाँ पे आए हैं। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, पूरा खाली है एरिया, ये स्टार जैसा बना हुआ है, पता नहीं क्या है ये, हमें भी नहीं पता। बाकी तो लोकेशन तो फिर भी अच्छे, बट पुराने ज़माने के सब यहाँ पे। अभी इस पर फ़ोटो खिंचवाने की सोच रहे क्योंकि अच्छी लोकेशन है, जगह अच्छी भी है। और ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है जिनको हिस्ट्री का शौक है, मतलब एक होता है किसी किसी को कि हिस्ट्री जानने का, तो उनके लिए एक जगह बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। अभी हम बड़ी तोप की तलाश में निकले हैं। हमारे ड्राइवर भाग गया, बोल रहा कि अब मैं नहीं घुमा रहा। दोस्तों ये देखो यहाँ पे ना तीर वीर का, ये जो राजा महाराजा वाले लोग सिपाही तीर मारते थे छुप के, जो होते नहीं छेद वगैरह, देखो यहाँ से, यहाँ से लोग तीर मारते। ऊपर का व्यू देखो भाई तुम, ऊपर से ऐसा दिखता जयपुर, पूरा जयपुर दिख रहा है क्या? पूरा नहीं दिख रहा, हाँ मतलब जितना, बट पहाड़ भी बहुत है यार इधर बड़े बड़े ऊपर। और ये है ऊपर का व्यू भाई। हम आ चुके हैं यहाँ पे सबसे बड़ी तोप देखने, तो सबसे बड़ी तोप ये, इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये सबसे बड़ी तोप ये है, ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तोप है, बहुत ज़्यादा। तुम देखो पूरा ऊपर लो है, कितना वजन होगा इसमें, ये देखो। देखो सबसे बड़ी तोप है इधर की। अच्छे से घुमा के फोटो वोटो करके सही लिखा। तो दोस्तों पकड़ लो भाई, और बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि हाथी यूं चल रहा है, क्योंकि हम बैठे ऐसे, ये देखो। बट बहुत क्या बोल सकते हैं,
अलग ही मजा इस चीज़ का हाथी में बैठने का भी, क्योंकि हाथी ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, आगे को खिसक भी रहे। बाकी अब कह रहे गांव घुमाएंगे हाथी में बैठ के, तो जयपुर आओ तुम लोग तो हाथी में जरूर बैठना, हाथी की राइड जरूर करना, बहुत फेमस है यहाँ की। अभी बैठे हम हाथी में, मतलब 15 मिनट हो चुका है मैं हाथी में बैठे बैठे, तो अभी वैसे मज़ा अभी इतना है नहीं इसमें बैठ के, वैसे हाथी में बैठ के, क्योंकि नॉर्मल जगह है, क्योंकि खाली जगह है बस, क्या घूमेगा बंदा, कल्चर जानते हैं राजस्थान का या ऐसा कुछ, तो थोड़ा मज़ा आता हमें कि गांव में होते हैं शहर में तब, क्योंकि बस यहाँ पे तो नॉर्मल ही है। और अपना हाथी भी बार बार खाना चल रहा है बीच बीच जगह से, ये देखो भूख लग रही है उसे शायद, खाना चाहिए उसे। ये तो पूरा हिला रहा है भाई, बैठो तुम। मैं तो कूद जाऊंगा, अपना देख लेना बस। तो ऐसे प्रेफर करेंगे हम कि बेकार है ना, क्योंकि नॉर्मल जगह यार कुछ है नहीं, देखो हाथी में बैठना है और फीस तुम्हारी 2-3 हज़ार रुपये लग जाएगी, 2 हज़ार रुपये तुम्हारी फीस लग जाएगी, बस बैठ रहना या कुछ भी, कोई ठीक ठाक नहीं है, कोई कल्चर जानने का वो भी नहीं है, बस नॉर्मल ही है। कैमरा निकालो भाई, डी एस एल आर से ले लीजिए, स्कूल मोड तो नहीं मारे, नहीं 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 अजी पास में आके हाथ लगाइए इसके, लगा लगा आराम से लगा, पीछे कर थोड़ा सा पीछे कर, और पीछे बैक 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 बैक। तो गाइस ये हमारा खाना आ चुका है, चिकन चावल पता नहीं क्या क्या है, राजस्थानी का थोड़ा बहुत खा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़।